नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। भारत में होने वाले G20 समिट से पहले क्या कश्मीर को बम धमाकों से दहलाने की साजिश थी? क्या एक बार फिर G20 से पहले कश्मीर की शांत घाटियों में गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाने की साजिश थी? क्योंकि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने पिछले 30 सालों से घाटी में स्लीपर सेल बनकर आम जिंदगी गुजारने वाले 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी वो हैं जिन पर अपहरण, हत्या, कश्मीरी हिंदुओं और सुरक्षा बलों पर हमले के लिए लोगों को उकसाने का आरोप है। इतना ही नहीं, इन पर टाडा और कोटा के तहत भी केस दर्ज है। हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से कुछ आतंकी सरकारी विभागों में तैनात थे और करीब 30 साल से सरकारी नौकरी कर रहे थे। भारत में होने जा रहे G20 से पहले इन आतंकियों के पकड़े जाने से ये बात तो साफ हो गई है कि कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं। वहीं सुरक्षा बलों को शक है कि इसी तरह के और फरार आतंकी भी कश्मीर की घाटियों में छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आप ये भी सुनकर चौंक जाएंगे कि घाटी में दहशतगर्दी फैलाने और आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए ये मस्जिद का सहारा लेते थे। साल 1993-94 में सुरक्षा बलों ने इनके द्वारा छिपाए गए हथियार और गोला बारूद को जब्त कर दिया था, लेकिन कार्रवाई के दौरान ये सभी 8 आतंकवादी फरार होने में सफल हो गए थे। अपनी आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए इन सभी ने मस्जिदों का सहारा भी लिया था। फरार होने के बाद ये स्लीपर सेल बन गए और लोगों के बीच आम आदमी बनकर छिप गए। इनमें से 2 ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी, एक शिक्षा विभाग में तो दूसरा अदालत में मुलाजिम है। गिरफ्तार आतंकियों में जम्मू का रहने वाला आदिल फारूक फरीदी शिक्षा बोर्ड में काम करता है, तो वहीं डोडा का इश्तियाक अहमद अपने ही जिले की कोर्ट में टाइपराइटर के पद पर तैनात है। SIA ने इन सभी को जम्मू की टाडा अदालत में पेश किया। G20 से पहले पकड़े गए आतंकियों को लेकर ये बात भी सामने आई है कि फरार होने के बाद शुरुआत में ये अंडरग्राउंड रहे और बाद में अपने घर के आसपास आम नागरिकों की तरह रहने लगे। इन 8 स्लीपर सेल की गिरफ्तारी से ये भी साफ हो गया है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर से आतंक का सफाया करने पर पूरी मुस्तैदी से लगी हुई हैं, क्योंकि जो आतंकी पिछले 30 साल से आम जिंदगी जी रहे थे, सरकारी नौकरी कर रहे थे, जिनके बारे में उनके आसपास रहने वालों तक को भी पता नहीं था, वो स्लीपर सेल सुरक्षा बलों की गिरफ्त में है। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। VK News, राष्ट्र के नाम।